हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन। बिकॉज सेक्शंस कवर करने से पहले इन सब टर्म्स का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब बेसिकली हिंदी में होता है समझौते। मतलब इसमें क्या होगा, अ पीसफुल और विलिंग सेटलमेंट होगा ऑफ अ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स एंड कंसेशंस। ओके, यानी दो पार्टी जो भी है, कंपनी एंड उसके मेंबर्स, क्रेडिटर्स, वो आपस में सेटलमेंट करेंगे। किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, कंपनी फाइनेंशियली लॉस में जा रही है तो कंपनी अगर चाहे तो अपने क्रेडिटर्स को कह सकती है कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ने अगर 1 लाख दे रखा है कंपनी को, या फिर कोई भी लोन दे रखा है किसी भी पर्सन ने कंपनी को 1-2 लाख का, या फिर 5 लाख का, 10 लाख का, और कंपनी कह रही है उसको कि 80% आप ले लीजिए ताकि हम थोड़े और ज़्यादा अपने जो ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी के, यानी अफेयर्स ऑफ द कंपनी है, उसको और अच्छी तरह से मैनेज कर सके और बाद में प्रॉफिट इंक्रीज कर सके हमारा। ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपस में दोनों पार्टीज़ बैठेगी, यानी कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो आपस में बैठेगी और एक पीसफुल एंड विलिंग सेटलमेंट होगा ऑफ अ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स एंड कंसेशंस। ओके, यानी एक पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा, वो क्रेडिटर भी हो सकता है, ओके, मेंबर भी हो सकता है। सो दस इन कॉम्प्रोमाइज ईच पार्टी हैज़ टू यील्ड एंड गिव सम कंसेशंस। ओके, यानी दोनों पार्टीज़ को आपस में मिलके कुछ सेटलमेंट निकालना होगा, दोनों थोड़ा थोड़ा नुकसान झेल लेंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज एज्यूम्स अ डिस्प्यूट, यानी कॉम्प्रोमाइज कब होता है, जब कोई डिस्प्यूट होता है। ओके, तो ये सिंपल सा मीनिंग था कॉम्प्रोमाइज़ का। आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसमें समझा होगा, उसमें जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, लाइक उसको हम कहते हैं कि आप डिविडेंड मत लीजिए, ओके, या फिर क्रेडिटर्स जो भी होते हैं उनको हम वेव ऑफ करते हैं, यानी हम कहते हैं उनको कि आप 50% जो लोन है या फिर जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो वेव कर दीजिए। ओके, तो ये जो भी सेटलमेंट्स होते हैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है, देर इज़ नो डिस्प्यूट, ओके, बट इट मॉडिफाइज राइट्स। ओके, इसमें क्या होगा, सच रीएडजस्टमेंट्स ऑफ राइट्स मे बी विद मेंबर्स और क्लास ऑफ देम और क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ देम। ओके, इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे हमारा क्रेडिटर है, हम उसको कहेंगे कि आप 50% जो पैसा हमें आपको देना है उसकी जगह आप इक्विटी शेयर्स ले लीजिए कंपनी के, या फिर हमारे डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको हम कहते हैं कि आप 30% इक्विटी शेयर्स ले लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो होता है, हम अलग चीज़ दे रहे हैं उसको, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं उसके राइट। ओके, बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स के राइट, यानी ओनर नहीं है वो कंपनी का, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, 30% इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। जैसे मतलब जो भी टोटल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 2 लाख का टोटल अमाउंट है, तो हम उसको कह रहे हैं 30% जो है, जो कि 60,000 है, उसके आप इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। ओके, तो उसका राइट मॉडिफाई हो गया। ओके, अब उसको कंपनी में राइट, मतलब ओनरशिप के राइट्स मिल गए, राइट। तो इसको कहा जाता है अरेंजमेंट, इसमें राइट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, डिस्प्यूट किसी भी तरह का नहीं होता। ओके, द टर्म अरेंजमेंट इज़ वेरी वाइड एंड कैन इंक्लूड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जांपल में, उसमें इक्विटी शेयर्स हम इशू कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, एंड और भी कई सारे हो सकते हैं, कई इक्विटी शेयर का पेडअप जो है वो चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ओके, द अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज मे बी विथ क्रेडिटर्स या फिर मेंबर्स के साथ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अमालगमेशन की। अमालगमेशन का मतलब होता है जो भी प्रोविजंस में दे रखा है कंपनीज एक्ट के या फिर किसी अदर स्टेट्यूट के, विच मे बी एप्लीकेबल टू कंपनीज, इंक्लूड करेंगे हम मर्जर को भी इसमें। ओके, अब इसमें दो टर्म होती है, ट्रांसफरर कंपनी जो कि होती है जो कंपनी जो अमालगमेट हो जाती है अनदर कंपनी में, ओके, और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है, जिसमें जो ट्रांसफरर कंपनी है वो अमालगमेट हो रही है। ओके, ट्रांसफरी कंपनी मींस द कंपनी इनटू विच ट्रांसफरर कंपनी इज अमालगमेटेड, और ऊपर क्या पढ़ा था हमने, ट्रांसफरर कंपनी वो है जो अमालगमेट हो जाती है किसी अनदर कंपनी, तो वो अनदर कंपनी जो है ना वो ट्रांसफरी कंपनी। ओके, तो अब ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए बिकॉज ये बहुत बार यूज़ होंगे सेक्शंस में। एंड नेक्स्ट इज मर्जर रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन इज़ वन ऑफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ओके, बिकॉज अमालगमेशन में क्या होता है, हम जिस भी कंपनी को एक्वायर करते हैं उसको 5 के बदले 2 शेयर देते हैं, 3 के बदले 1 शेयर देते हैं, ऐसा कुछ स्कीम सेट होती है, तो वो सारी यही अमालगमेशन मतलब अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज की स्कीम है, वन ऑफ द। ओके, तो यही कहा गया। नेक्स्ट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है,
इट इज़ यूजुअली ओनली वन कंपनी वाइल अमालगमेशन इन्वॉल्व टू और मोर कंपनीज। ओके, तो ये आपको पता होगा कि अमालगमेशन में दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मर्ज हो जाती है या फिर अमालगमेट हो जाती है, बट रिकंस्ट्रक्शन में ओनली वन कंपनी होती है जो क्या करती है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, यानी जो भी इक्विटी है, प्रिफ्रेंस है या फिर और भी कोई लोन्स है, क्रेडिटर्स है, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करती है अपनी लाइबिलिटीज़ को और एसेट्स को, और एक बिल्डिंग अगेन यानी नई कंपनी बनाने की कोशिश करती है ताकि वो अच्छी दिख सके बैलेंस शीट में। ओके, सो इट इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन विद ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स और बोथ। ओके, दोनों के ही राइट्स को अफेक्ट करती है, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स को हमने कह दिया कि आप 20% इक्विटी शेयर्स ले लीजिए, या फिर डिवेंचर होल्डर्स को कह दिया कि आप 50% इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। ओके, जो भी अमाउंट है टोटल उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स। ओके, नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कैरीड आउट इन सम अल्टर्ड फॉर्म। ओके, यानी अल्टरेशन करते हैं हम अपने बिजनेस के फॉर्म में। एंड रिकंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है रिडक्शन कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ शेयर्स, मेकिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स एज पार्टली पेड अप कर देते हैं उसको, सो डैट फर्दर अमाउंट कैन बी कॉल्ड, यानी जो फुल्ली पेड अप शेयर है उसको हम पार्टली पेड अप कर देंगे और फर्दर अमाउंट मंगाएंगे शेयर होल्डर्स से। ओके, तो इसको कहा जाता है बेसिकली क्या, रिकंस्ट्रक्शन। और ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी, टेक ओवर बाय अनदर कंपनी, सेटिस्फेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स बाय अलॉटिंग देम न्यू शेयर्स, सॉरी अलॉटिंग देम शेयर्स इन न्यू कंपनी में, उनको शेयर्स दे दिए, या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन में। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट की जो हालत होती है वो बेकार हो चुकी होती है, बैलेंस शीट में हम कैसे अच्छा दिख सकते हैं और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट करके अपने आपको, अपने लाइबिलिटीज़ को, अपने शेयर कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करके हम कैसा अच्छा दिख सकते हैं बैलेंस शीट में, उसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट इज और बेसिक चीज़ें अमालगमेशन से रिलेटेड। अमालगमेशन दो तरह का होता है, एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। नाम से ही क्लियर है, इन द नेचर ऑफ परचेज में हम दोनों कंपनीज आपस में मर्ज नहीं होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की सोचती है। ओके, यानी ओनली एसेट एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर करती है। ओके, जनरली सेम बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज़ नॉट कंटिन्यूड, यानी उस कंपनी से हम कुछ और बिजनेस करने का सोचते हैं। ओके, और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, इट दिस देर इज़ अ जेन्युइन पूलिंग ऑफ नॉट मेयरली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बिकॉज एसेट एंड लाइबिलिटीज तो होंगे ही, साथ ही साथ जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, जो भी रिजर्व्स हैं वो सारे एज इट इज़ मर्ज हो जाते हैं। ओके, आपने अकाउंटिंग पार्ट सीखा भी होगा, उसमें जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, रिजर्व्स है, वो एज इट इज़ मर्ज हो जाते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर में। एंड द सेम बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज़ कंटिन्यूड, जो भी ट्रांसफरर कंपनी का सेम बिजनेस है वही कंटिन्यू चलता रहता है इन द नेचर ऑफ मर्जर में। ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। ओके, तो ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट जो कि होता है इनके केस ऑफ मर्जर, एंड परचेज मेथड जिसमें हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, और भी कई सारी चेंजेस होते हैं उसमें। ओके, वो होता है इन केस ऑफ नेचर ऑफ परचेज। ओके, यानी नेचर ऑफ परचेज है तो हम परचेज मेथड लगाएंगे, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट यानी एज इट इज़ बैलेंस शीट को मर्ज कर देते हैं हम। ओके, कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग पार्ट है, वो हम डिस्कस नहीं करते। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शंस।